चिकित्सा शिक्षा लैब टेक्नीशियन वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्वितीय द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल रहे। इस दौरान संघ के चुनाव में पदाधिकारी निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से चुने गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष आशीष कुमार त्रिपाठी और महामंत्री लाल सिंह ने कहा, मेरा और जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिसमें आपको ये महसूस होता है कि आपके इस भाई की किंचित मात्र भूमिका हो सकती है, जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रीय विधायक के रूप में अभी विधानसभा चल रही है, कोई महत्वपूर्ण विषय होगा तो मुझको एक दो दिन में बताइएगा। आज आपका गोरखपुर संभव होगा तो आपकी लड़ाइयों को मंत्रियों से लेकर विधानसभा तक हर स्तर तक ये जनप्रतिनिधि का दायित्व आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप आवाज सुनकर अंदाज लगा रहे होंगे कि मैं बहुत बोलने की स्थिति में नहीं, आपके प्रति धन्यवाद करता हुआ और आपको आश्वस्त करता हुआ दिनांक 17/17/2019 को कहते हैं हमारा द्वितीय द्विवार्षिक अधिवेशन प्रांति संपन्न किया जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कहते हैं हमारे नगर विधायक श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे अभी कुछ देर पहले, क्योंकि पुलवामा में इस तरह की घटना हुई है इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को थोड़ा शार्ट कर दिया है, क्योंकि ये 2 महीने से पहले से प्रायोजित कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को हम एकदम स्थगित नहीं कर सकते थे। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन आए हुए हैं, तो इसलिए हमने इसको एक छोटे संक्षिप्त स्तर पर कर दिया गया है। और ये हर 2 साल पर प्रांतीय अधिवेशन होता है और हमारे महामंत्री श्री लाल सिंह जी इसके संबंध में आपको और बता देंगे कि क्या इस अधिवेशन में क्या होना है, कैसे होना है। ये महामंत्री जी से, ये हमारा संगठन का 2रा वार्षिक अधिवेशन है। इसमें पूर्व में संगठन द्वारा क्या काम किया गया है, आगे क्या योजनाएं हैं, संगठन को कैसे चलाना है, इसी संबंध में संक्षिप्त में प्रोग्राम किया गया।